दो महीने के बाद वोट है, इस बार वोट डाल के जैसे आपने चार साल पहले वोट डाला था, बड़ी सोच समझ के डाला था आपने वोट, इस बार भी सोच समझ के वोट डालोगे तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा, अपने बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आज से छह साल पहले अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर, एक मामूली सा आदमी था, मैं एनजीओ चलाया करता था। आतिशी मार लेना को कोई नहीं जानता था, आपके विधायक जी को कोई, नितिन त्यागी को कोई नहीं जानता था। चार साल पहले आप लोगों ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, भाई साहब अपनी पूरी जिंदगी भी हम 24 घंटे लगा देना दिल्ली के लोगों के लिए, आपके लिए वो भी कम पड़ जाएगी, अपनी जान भी दे दें आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर दिल्ली के लोगों का, बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर आप सब लोगों का कि आपने हमको इस काबिल समझा कि चार साल पहले आप लोगों ने इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर हमको बिठा दिया और आपने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां थी, आपने कांग्रेस को तो जीरो कर दिया, बीजेपी को 3 सीट कर दी, ये एहसान मैं अपनी जान देके भी दिल्ली वालों का नहीं चुका सकता। और जब से हमारे को आपने ये जिम्मेदारी दी है, रात दिन 24 घंटे आपका विश्वास नहीं टूटने दिया मैंने पिछले चार साल के अंदर, आपने जो मान सम्मान दिया आपके मान में हमने कमी नहीं आने दी बिल्कुल। 5 साल पहले आपने किसी एक आदमी का 56 इंच का सीना करा था, हमने 4 साल में इतनी मेहनत करी, मैंने अपने हर दिल्ली वाले का 59 इंच का सीना कर दिया, इतना काम। आज 4 साल के अंदर दिल्ली में इतने काम हुए, पूरी देश को छोड़ो दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, जिस जिसको लगता अच्छे हो गए जरा से हाथ खड़े कर देना, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों के अंदर आज दिल्ली में 2 किस्म के सरकारी अस्पताल है भाई साहब, एक मोदी जी के अस्पताल है और एक आपकी अपनी दिल्ली सरकार के अस्पताल है, आपके अपने अस्पताल है। अब किसी अस्पताल में जाओ तो कैसे पता चलेगा ये मोदी जी का अस्पताल है कि आपका अस्पताल है, अगर उस अस्पताल में इलाज के पैसे लगते हो, अगर उस अस्पताल में टेस्ट के पैसे लगते हो, ऑपरेशन के पैसे लगते हो, दवाइयों के पैसे लगते हो, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। ऑल इंडिया मेडिकल मोदी जी का अस्पताल, सफदरजंग मोदी जी का अस्पताल, राम मनोहर लोहिया मोदी जी का अस्पताल, और अगर उस अस्पताल के अंदर सारा कुछ फ्री हो, टेस्ट भी फ्री, इलाज भी फ्री, ऑपरेशन भी फ्री, दवाइयां भी फ्री, तो समझ जाना आपका अपना दिल्ली सरकार का अस्पताल है। जीबी पंत आपका अस्पताल है, एलएनजेपी आपका अस्पताल है, जीटीपी अस्पताल आपका अस्पताल है, 35 अस्पताल आपके अपने हैं। आज दिल्ली में ऐसी सुविधा कर दी आप लोगों के लिए, भगवान ना करे कल को आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होना चिंता ना करना, आपकी सरकार है, 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना उसके ऑपरेशन में, उसकी दवाई में, दारू में, तो सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 70 साल के भारत के इतिहास में किसी सरकार ने अपने लोगों के लिए इतना काम नहीं करा। आपके बच्चों की चिंता मेरे को ज्यादा रहती है कि आपके बच्चे बड़े होके अच्छे पढ़ने चाहिए, अच्छे लिखने चाहिए, उनकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिलना चाहिए, उसकी चिंता मेरे को ज्यादा रहती है। आपके परिवार के अंदर सारे ठीक ठाक रहे, बीमार हो तो अच्छा इलाज हो, उसकी चिंता हमको ज्यादा रहती है। क्यों? हम भी आप ही की तरह आम आदमी है, आप ही की तरह हमारा भी जीवन आप ही की तरह, मेरे को पता है एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे चलाता है, अपने पेट काट के कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई कराता है, फिर जब स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं, काम आदमी का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, फीस हर साल बढ़ जाती है,
चार साल से आपके सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी, जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई ऑर्डर करके पैसे वापस कराए उनके परिवारों के। पूरी दिल्ली के अंदर आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में आपको मिल रही है। मेरे को याद है हमारे से पहले जब शीला जी की सरकार थी हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, चार साल में बिजली के रेट भी नहीं बढ़ने दिए, उल्टे बिजली कंपनियों को कहके बिजली के रेट आधे करवाए। आज एक रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, 200 यूनिट से कम एक रुपए पूरे देश में कहीं नहीं। पूरा देश को क्या मैं देख रहा था, पूरी दुनिया में एक रुपए यूनिट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं पूरा मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में कहीं दिखा दो एक रुपए। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, केजरीवाल की वजह से नहीं हो रहा, ये आपकी वजह से हो रहा है। चार साल पहले आपने एक ईमानदार सरकार चुनी थी। आप सोच के देखो आज मैं बिजली कंपनियों के साथ सेटिंग कर लूं, भाई साहब शाम तक मैं एक रुपया यूनिट बढ़ाने की उनको इजाजत दे दूं ना कि भाई एक रुपया यूनिट बढ़ा दो कोई बात नहीं, शाम तक 500 करोड़ रुपए रख जाएंगी ये बिजली कंपनियां मेरे घर पे। गलत तो नहीं कर रहा भाई साहब?